हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुका हूं दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहां पे टेंथ कर रखा है या फिर ट्वेल्थ कर रखा है या फिर उन्होंने आईटीआई कर रखा है ठीक है या फिर उन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो ये आपके लिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सबसे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अब क्या करना है कि आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है ठीक है और वहाँ पर जा करके ना आपको अपनी जैसे मान लीजिए आई कर रखी है तो कौन से ट्रेड में आई कर रखी है वो जाकर के मैंशन कर देना है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो कौन से ब्रांच के अंदर कर रखा है वो आकर के मेंशन कर देना है ठीक है दोस्तों तो ये पंद्रह सेकंड का काम है दोस्तों कर देना ठीक है और जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया भाई टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना क्योंकि वहां पे मैं सबसे पहले आपको अपडेट करा देता हूँ लेटेस्ट लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट जो कि मैं यूट्यूब पर अपडेट नहीं दे पाता हूँ ना तो मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको अपडेट करा देता हूं तो जैसा कि आप देख ही पा रहे कि आज की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यहां पे एयरपोर्ट की तरफ से यहाँ पे डायरेक्ट यहां पे वॉक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है ठीक है और यहाँ पे आपको यहां पे चार

वार्ड के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे नो एग्ज़ाम है एंड यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी डायरेक्ट बेसिस पे आपकी यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें हमारे चैनल पर दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी की अपडेट आपको देखने को मिलती रहती हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर दबा देना दोस्तों क्योंकि अगर आप घंटी को नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सी नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि आ, जो वैकेंसी यहाँ पे जो अपडेट करी गई हैं वो यहाँ पे दोस्तों पाँच आ, पाँच अप्रैल 2023 को ये वैकेंसी का ऑफिशियली रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया था जिसमें वार्ल का इंटरव्यू सत्रह अप्रैल से लेकर के और बीस अप्रैल तक चलेगा ठीक है जिसमें टेंथ और ट्वेल्थ और आईटीआई ग्रेजुएशन वाले और डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे पूरे भारत से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी कैंडिडेट हो पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं चलिए दोस्तों बताते हैं हम आपको कैसे आपको अप्लाई करना है इसके पूरे प्रोसेस के बारे में तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रूंगे कि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप, आप देख सकते हो ए आई ए टी एस एल ठीक है यहाँ पे यर इंडिया यर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 ठीक है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ये भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो यहाँ पे वाले इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी जिसमें दोस्तों आपको पोस्ट भी यहाँ पे काफी सारी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ठीक है यहाँ पे चार सौ पिचानवे टोटल पोस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं एंड यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ पे आई टी आई टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आप इसके लिए एलिजिबल हैं साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पूरी जानकारी मैंने प्रोवाइड करा रखी है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से रीड यहाँ पे कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको जो वैकेंसी के अपडेट देखने को मिलेगी और पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी देख सकते हो ये यह पोस्ट यहाँ पे दे रखी इंडिया की देख सकते हो यहाँ पे हैंडमैन की है रैंप सर्विस एक्सिक्यूटिव की है कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की पोस्ट निकल कर आ चुकी है ये वैकेंसी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने को मिलेगी थ्री ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठीक है अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको स्टैंड किया जाएगा आगे और यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वाल के इंटरव्यू के थ्रू आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी सत्रह से लेकर के और बीस अप्रैल के बीच में ये वैकेंसी चलने वाली है ठीक है पूरा प्रोसेस बताऊँगा दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो एंड यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा पूरा डायरेक्ट वाल इंटरव्यू और यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी तगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर आप देख ही पा होंगे पच्चीस हज़ार नौ सौ अस्सी रुपये पर मंथ पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल होंगे साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ए आई ए टी एस एल यानी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट किया गया है नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें हम दोस्तों तो यहाँ पे नेम ऑफ आप पोस्ट आपकी क्या ही रहने वाली है तो देख सकते हो यहाँ पे आपकी कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की है रैंप सर्विस एजेंट यू, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है ठीक है और यहाँ पे हैंडीमैन की है तो यहाँ पे आपको तीन कैटेगरी के अंदर पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही पा रोंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे चार टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएंगी कुछ बात कर रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स डेट्स के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही पा रोगे जो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे बाल का इंटरव्यू जो रखी गई है वो तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज रखी गई हैं ठीक है और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपकी डेट में आपको जो आपकी जो इंटरव्यूज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे तो जैसा कि आप देख ही पा रहेगी ये जो आपको देखने को मिलेगा जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू वर्ल्ड का इंटरव्यू देखने को मिलेगा ये आपको अठारह चार दो हजार तेईस को देखने को मिलेगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का इंटरव्यू वो आपको सत्तर चार को देखने को मिलेगा ठीक है रैम सर्विस एक्सिक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर का जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको उन्नीस चार दो को देखने को मिलेगा और यहाँ पे हैंडीमैन का देखने को मिलेगा ये आपको बीस चार दो तक देखने को आपको मिलेगा ठीक है बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स आपको पूरी चार सौ पचानवे टोटल पोस्ट रखी गई हैं जिसमें यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए यहाँ पे आपको अस्सी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी ठीक है जो कि आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए यहाँ पे आप चौसठ पोस्ट देखने को मिलेंगी रैंप सर्विस एक्सिक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आप देख सकते हो एक सौ इक्कीस पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और हैंडीमैन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो तो दो पोस्ट देखने को मिल जाएंगी साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों पे स्केल के बारे में तो यहाँ पे पे स्केल आपको क्या ही रहने वाला है यहाँ पे आप देख ही पा रहे जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव का तेईस हजार छह सौ चालीस रुपए देखने को मिलेगा कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव का पच्चीस हजार नौ सौ अस्सी देखने को मिलेगा रैंप सर्विस एक्सिक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का आपको तेईस हजार छह सौ चालीस रुपए देखने को मिलेगा हैंडी handy, हैंडीमैन uh, का आपको इक्कीस हजार तीन सौ तीस रुपए को मिल जाएगा पर मंथ का हिसाब से एंड साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपको क्या रखी गई है यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि आपकी एज लिमिट आपको रहेगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है जो कि आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज की जो डिटेल्स रखी गई हैं एज लिमिट उसमें भी सेम सेम रखी गई है सभी के सभी ठीक है तो जनरल वालों के लिए देख सकते हो तो यहाँ पे अट्ठाइस ईयर रखी गई है ओबीसी वालों के लिए इकतीस ईयर रखी गई है एस सी वालों के लिए यहाँ पे रखी गई है 33 गई है ठीक तो ये यह पे चार्ट में सारा कुछ मेंशन कर रखा गया है एंड बात करें अप्लाई मोड की तो यहाँ पे अप्लाई मोड जो कैसे होगा यहाँ पे आपको डायरेक्टली वाल के इंटरव्यू के थ्रू जाना होगा जिसमें दोस्तों आपको अपने फॉर्म के सभी दस्तावेज आपको आपको यहां पे पहुंचना होगा दिए गए पते पर ठीक है कैसे आपको पहुंचना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा तो बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो भाई देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की की है। कम के लिए तो, जो है अनिवार्य है साथ ही साथ इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हैवी वाला होना चाहिए तभी आप बाल का इंटरव्यू में जा सकते हो सेकंड है कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव का इसमें दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए थ्री ईयर की ठीक है तब आप यहाँ पे बाल का इंटरव्यू में जा सकते हो तीसरा जो पोस्ट है वो यहाँ है पे हैंडीमैन का तो इसमें लिए आपके लिए एस यानी सी यानी टेंथ स्टैंडर्ड कर रखा हो आपने ठीक है पास कर रखा हो एंड इसके लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज और हिंदी में लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और भाषा समझनी चाहिए और आपको बोलनी चाहिए अगर आप ये छवि आती है आपको तो यहाँ पे आप जा सकते हैं वाल के इंटरव्यू के लिए चौथा है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का इसमें आपका ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपने मैकेनिकल के अंदर कर रखा है आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखा है।, है।, है आप एलिजिबल हैं ठीक है प्रोडक्शन के अंदर कर रखा है आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा है आप एलिजिबल हैं ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के अंदर कर रखा है आप एलिजिबल हैं ठीक है साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे आई कर रखा है इन रिलेवेंट ट्रेड आल ट्रेड के अंदर तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है साथ ही साथ यहाँ पे फिफ्थ जो वैकेंसी है वो यहाँ जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की वैकेंसी इसके लिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड क्लास आपके पास होनी चाहिए आपने पास कर रखा हो ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे लिया जाएगा एंड साथ ही साथ रैम्प सर्विस एजेंट यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो ट्रेड टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा अब फिर है हैंडीमैन का इसके लिए आपको फिजिकल एजुकेशनल टेस्ट फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा ठीक है उसके लिए फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से भी आपको सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको देख सकते हो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे पांच सौ रुपए रखा गया है एस सी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं है जीरो शुल्क रखा गया है बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको डेट जो है वहाँ पे सत्रह चार दो हजार तेईस से लेकर के बीस चार दो हजार तेईस के बीच में स्टार्ट हो गया है टाइमिंग जो रखी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो तो नौ तीस से लेकर बारह तीस तक चलता है यहाँ पे वेन्यू जो रखा गया है वेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको वेन्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा और इसके लिए आप कैसे पूरा विवरण देख सकते हो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो पूरा प्रोसेस कैसे देख तो कैसे देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपको आना है गूगल पर ठीक है अब गूगल पर आओगे गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च वार का ऑप्शन जो कि यहाँ पर आप देख ही पा रोगे इस सर्च वार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक जो कि यहाँ पे आप देखी पाओगे मैंने दोस्तों यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया टाइप करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर आपको पे देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख ही पा पाएंगे सिंपली आपको करना क्या होगा आपको इसके ऊपर इस आपके सामने इस तरह का पेज खुल के ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो ठीक है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप पर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू दो हजार तेईस आपको अगर यहाँ पे कई दिनों बाद अगर आप वैकेंसी देख रहे हो तो ये आपको करना क्या है ये देखिएगा आपको सर्च वार का ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे इस सर्च वार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डाल देना है ए आई ए टी एस एल ठीक है ये डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है अब तब देखोगे आपको यहाँ पे ग्यारह अप्रैल को ये आर्टिकल लिखा गया है आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है इस तरह से ठीक है अब यहाँ पे आओगे यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है देखिए मैंने जो आपको बताई थी बेसिक डिटेल्स वो बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे आपको रीड कर लेनी है आराम से देख लेना है यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस एंड उसके बाद आपको क्या करना है आपको नीचे आना है नीचे आओगे नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक फॉर्म को अपलोड कर लेना है ठीक है यानी फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को डाउनलोड कैसे करोगे देखिए चलिए देखिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख ही पा रूंगे मैंने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है तो जैसा कि आप देख ही पा रूंगे ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोस्ट आउट किया गया है पाँच चार दो के लिए भी वैकेंसी की जो डिटेल्स है ये पोस्ट आउट की गई है ए आई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से ठीक है और यहाँ पे जो वर्ल्ड इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड आपको देखने को मिलेगा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है जो कि यहाँ पे आप देख ही पाऊंगे ठीक है एयर या, इंडिया की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है और इसके लिए दोस्तों आपके पास कौन कौन सी पोजिशन होनी चाहिए क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एंड यहाँ पे आप देख ही पा रूंगे स्टेशन जो रहेगी आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगी पोजीशन देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की नंबर पोस्ट यहाँ पे अस्सी दे रखी है डेट एंड टाइम सत्रह अप्रैल दो हजार तेईस को बाल का इंटरव्यू लगने वाला है वेन्यू जो रखा गया है वेन्यू आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को आपके ये मिल रहा होगा इस वेन्यू पर आपको यहाँ पे पहुंचना होगा ठीक है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए इंटरेस्टेड है तो और यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए देख सकते हो यहाँ आप पे आपको चौंसठ पोस्ट देखने को मिलेंगे इसका जो इंटरव्यू होगा अठारह अप्रैल दो को होगा ठीक है रैम रैम सर्विस एक्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए देख सकते एक सौ इक्कीस पोस्ट है यहाँ पे आपको उन्नीस अप्रैल के लिए जाना होगा ये वाले वेन्यू पर जो दे रखा है इस वे वेन्यू पर ठीक है एंडीमैन के लिए देख सकते दो सौ तीस पोस्ट निकल कर आ रही है इसके लिए आपको बीस अप्रैल तक पहुंचना होगा ये वाले वेन्यू पर तो इस तरह से ही आपको पहुंचना होगा ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही उम्मीदवार जा सकते हैं ठीक है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे फिक्स आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है इसमें आपको ईयर का आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर आपका यहाँ पे और भी जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका स्टैंड आपका आगे कर दिया जाएगा ठीक है और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है बात देख सकते हो यहाँ पे आपका विजन क्या है मिशन क्या है सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे प्रोसेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताई थी पॉजिशन कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए इसके ग्रेजुएशन होनी चाहिए ठीक है सैलरी आपको पच्चीस रुपए पर मंथ देखने को मिलेगी जन और यहां पे जो अपर एज है वो यहां पे जनरल के लिए अट्ठाईस है ओबीसी के लिए इकतीस है और के लिए तैंतीस वर्ष है ठीक है ये या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ऐसा ही जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए देख सकते हो तो, ट्वेल्थ आपका पास होना चाहिए सैलरी आपको तेईस हजार छः सौ तो, चालीस रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी अपर एज यहाँ पे आप देख सकते हो तो, सेम ही रखी गई है एंड ऐसा ही यहाँ पे देख सकते हो तो, रैप सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए थ्री डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें दोस्तों मैकेनिकल का हो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो ठीक है इसके लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे पच्चीस हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी रखी गई है अपारेज यहाँ पे सेम ही रहने वाली है अगर आपने आई आई कर रखी है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर जैसे कि आप, आप देख ही सकते हो ठीक है फिटर है वेल्डर है ठीक है और भी यहाँ पे देख सकते हो और इसके लिए तो आप यहाँ पे आई टी करेंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए भी आप कैंपस में जा भाग ले सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दे रखा है ठीक है हैंडीमैन के लिए देख सकते हो स्टेशन चेन्नई के अंदर रखा गया है और इसके लिए भी दोस्तों आपके पास टेंथ पास स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपके पास देख सकते हो हिंदी की इंग्लिश की ये भाषा है बोलनी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए ठीक है सैलरी आपको इक्कीस हजार तीन सौ तीस रुपए पर मंथ देखने को मिलेगी अपरेज यहाँ पे सेम ही रहने वाली है ठीक है तो ये ये दोस्तों एक अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं बाल इंटरव्यू जो कि यहाँ पे वेन्यू डेट पे आपको पहुंचना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो हो होगा वो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग होगा जो कि यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है प्रोसेस देख से देख सकते हो रैम्प सर्विस एक्सिक्यूटिव के लिए ठीक है यूटिलिटी एजेंट कम ड्रैम ड्राइवर के लिए भी देख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू एंड यहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे आपको अप्लाई करना होगा तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक डिमांड जो होता है ना डिमांड ड्राफ्ट वो बनवाना होता है तो इसके लिए आप जनरल ओबीसी के लिए यहाँ आप पे आपको पाँच रुपए का बनवाना होगा जो भी आपको अपनी किसी भी नजदीकी बैंक में आप जाओगे ठीक है वहां पे आपको करना क्या है आपको कह देना है कि वहां पे सर हमें एक यहाँ पे डी 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 यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है पाँच सौ रुपए का ठीक है तो वहां पे आपको क्या करना है पाँच सौ रुपए डालना है और यहाँ पे आपको ये ये जो आपको दे रखा है ये आ, देख सकते हो यहाँ पे ये ए आई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ये आपको डालना होगा ठीक है पेवल यहाँ पे मुंबई के अंदर आपको और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एस सी एस टी एंड एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी आपको शुल्क आपको जो है कोई भी नहीं जाएगा सिर्फ जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको जाने वाला है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी के सभी वहाँ पे आपको अटैच करने होंगे सभी के सभी आपको लगाने होंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट वगैरह लेकर के आपको वहाँ पे पहुंचना होगा तो आइयो अब आप दोस्तों आपको सारी समझ आ गई होगी अगर आपका फिर भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना और कमेंट में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर जरूर मैंशन कर देना जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ